सीबीआई को जांच करने की बात कही थी और अब सीबीआई ने अपनी जांच हाथों में ले ली है और आज से सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। इसको लेकर सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है और आज ये भी बात सामने आई है कि हो सकता है कि सीबीआई की टीम के जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल का जायजा लें, पूरे सीन को देखें और साथ ही जो वहां के स्थानीय लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करें। सीबीआई की टीम घटना स्थल पर आज पहुंचेगी और साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी क्योंकि इस केस में बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के मन में उठ रहे हैं। इस केस को लेकर कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर एसआईटी अभी तक अपनी जांच कर रही है, एसआईटी ने 10 दिन का और समय मांगा था, वहीं पुलिस भी अपनी जांच कर रही है और अब सीबीआई ने अपनी जांच हाथों में ले ली है और कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी जिसमें भी जिन जो पीड़ित का परिवार है उससे भी बातचीत हुई थी और इसके बाद में जिन भी पुलिस वालों पर केस को सही तरीके से जांच ना करने का आरोप लगा है उनको लेकर भी सुनवाई की गई थी, सभी के बयान दर्ज किए थे और अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई कुछ ही देर में हाथरस के पीड़िता के गांव में पहुंचेगी जहां पर सभी सबूत इकट्ठा करेगी, उसके साथ में भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद रहेगी जो कि हर एक पहलू पर साफ तौर पर नजर रखेगी और हर एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेगी। और जो भी क्राइम सीन है उसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई की टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस केस की स्पष्ट रूप से जांच करने वाले हैं। पुनीत मोहन संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, कुछ ही देर में सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है पीड़िता के गांव में, ये भी बात है कि वहां पर जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरीके से सीबीआई जांच करेगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीबीआई की टीम आज हाथरस पहुंच रही है और सीबीआई ने पुलिस से लिए प्रकरण से जुड़े अभिलेख आरोपियों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है और जो भी अभिलेख थे उसको अपने टेक ओवर कर लिया है। आज घटनास्थल पर जाएगी, पूरे जो घटनास्थल है वहां का रिक्रिएशन किया जाएगा, पूरी तरीके से समझा जाएगा कि आखिर कैसे घटना हुई। जिस तरीके से परिवार ने बताया कि कुछ लोग आए वहां पर और उसके बाद में पीड़िता का गला घोट दिया संदीप ने, उस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा और फॉरेंसिक टीम वहां पर जा रही है जो गहन जांच पड़ताल वहां पर करेगी। इसके साथ जो आसपास लोग मौजूद थे उनसे भी आज पूछताछ हो सकती है, जो भी आरोपी पक्ष के लोग हैं और जो पीड़ित परिजन पक्ष के लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। यही नहीं, आरोपियों से भी आज सीबीआई जेल जाकर के मुलाकात कर सकती है, उनसे पूछताछ करेगी। जी पुनीत, एक बात है इस केस में कि कई सारे पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से जो निर्भया केस हुआ था उसके जो वकील हैं जिन्होंने आरोपियों का पक्ष रखा था उन्होंने बयान दिया था कि ये किसी भी तरीके से मर्डर नहीं है, किसी भी तरीके से रेप नहीं है, ये एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऑनर किलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आरोपी पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा था कि किसी भी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि रेप हुआ है या ऑनर किलिंग है, लड़की की माँ और भाई नहीं उसको मारा है और जल्द ही हम कोर्ट में ये बात साबित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें एसआईटी की जांच पर, सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है और जल्द ही न्याय होगा, सच सबके सामने होगा। वहीं जो पीड़िता पक्ष की वकील हैं सीमा कुशवाहा, कल कोर्ट में उन्होंने जो एफिडेविट दिया है, कोर्ट में जो बात कही है, उन्होंने मांग करी है कि जो भी सीबीआई की रिपोर्ट हो उसको गोपनीय रखा जाए, केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और जब तक इस केस में का कोई समाधान नहीं हो जाता तब तक पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करी जाए। अंतिम संस्कार वाले मामले पर भी उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में पीड़िता के परिजनों को शामिल नहीं किया गया, बिना उनकी सहमति के ही अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जो हाथरस के डीएम है प्रवीण कुमार लचकार, उन्होंने कोर्ट को बताया कि 29 सितंबर की रात में अंतिम संस्कार करने का निर्णय पीड़िता के परिवार को विश्वास में लेकर के किया गया था क्योंकि सफदरजंग अस्पताल में जब पीड़िता की मौत हुई सुबह 10 बजे तो लगभग 1000 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हंगामा किया था, 10 घंटे का समय लग गया, सब
को हाथरस तक लाने में, ऐसे में कुछ उपद्रवी तत्व भी थे जो खासा एक्टिव थे और सब छीनने का प्रयास कर रहे थे और कई लोगों ने प्रयास करने की कोशिश भी करी, इसके चलते हमने रात में अंतिम संस्कार किया है। लेकिन कोर्ट ये बात सुनकर के खासा नाराज हुई है और जो मुख्य सचिव गृह है अवनीश अवस्थी को उनको साफ तौर पर निर्देश दिया है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए सरकार को तैयार एक दिशा निर्देश तैयार करना होगा, जिस पर गृह सचिव जो है अवनीश अवस्थी उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जल्दी एक कमेटी बना करके एक SOP बनाई जाएगी और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। जी जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर तीन बहनों पर तेजाब से हमला हुआ है, तीन दलित बहनों पर तेजाब से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, घर में सो रही थी जिस वक्त ये तेजाब से हमला हुआ था, तीनों का जिला अस्पताल में अभी इलाज जारी है। आपको बता दें कि ये खबर यूपी के गोंडा से, जहां पर तीन बहनों पर तेजाब से हमला हुआ है। जब ये हमला हुआ था उस वक्त तीनों बहनें घर में सो रही थी, इस वक्त हमला हुआ, ये खबर यूपी के गोंडा से है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेप के बाद में अब सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि तीन बहनों पर तेजाब से हमला हुआ है। जब तीनों बहनें घर में सो रही थी उस वक्त ये हमला हुआ। और तीनों का ही इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। RJD प्रवक्ता मनोज झा ने देश में हो रहे रेप घटनाओं पर कहा कि हम बीमार समाज में तब्दील हो चुके हैं, सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो सही नहीं है। बता दें कि लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, हाथरस कांड पर भी काफी राजनीति और बवाल हुआ था। बच्चे को मार दिया गया है, माता के साथ गैंगरेप हुआ है और इसी तरीके से दानापुर में एक दलित लड़की के साथ किया गया। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहूँ, हाथरस से लेके बक्सर तक इस तरह की घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौन सा समाज बना रहे हैं? बीमार समाज में हम तब्दील होते जा रहे हैं? संविधान के पन्ने, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह, सारी चीजें खारिज हो रही हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में इंसान सांस ले। अगर त्वरित तौर पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता। सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने हाथरस कांड में कहा कि गांव को सरकार पूरा प्रोटेस्ट दे, सिर्फ केस तक नहीं बल्कि आगे के समय के लिए भी सुरक्षा देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश यही चाहता है कि केस में पीड़ित के परिवार को न्याय मिले। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त किया है कि तमाम केसेस गवाहों के टूट जाने के कारण उसमें न्यायालय निर्णय और सजा देने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो आज ये पहली आवश्यकता है कि गवाहों को सरकार पूरा प्रोटेक्शन दे। और केवल मेरा ये आग्रह भी होगा कि केवल इस केस तक न दे बल्कि केस के आगे तक उनकी सुरक्षा बनी रहे, जिससे आने वाले दिनों में ये दृष्टांत बने कि कोई परिवार अगर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है तो सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। तो ये ठीक और वाजिब प्रश्न उठाया और हम समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय इसे देख रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस पर सुनवाई हुई है तो न्यायालय निश्चित रूप से उन्हें सुने। सोमवार को मुंबई में बत्ती गुल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में गोराई इलाके में बत्ती गुल होने से महिला मरीज की हालत बिगड़ गई। दरअसल कोरोना पीड़ित महिला को डॉक्टरों ने 2 महीने तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था, अचानक से बिजली गुल होने से ऑक्सीजन मशीन बंद हो गई, जिससे परिजन परेशान हो गए और आनन फानन में जनरेटर की व्यवस्था की गई, जिसके बाद दोबारा से ऑक्सीजन मशीन को चालू किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शुरुआती अभियान शुरू कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के डेवलपमेंट को लेकर बयान दिया है, क्या कहना है उनका, सुनिए। सेट किया है कि जो लोग पहले के लोग या जो लोग पहले यही कहते थे ना
कि बात तो लंबी लंबी करते थे, गरीब वंचित शोषित दलित बात करते थे, लेकिन काम तो उन लोगों के लिए करते नहीं थे। चाहे उनके समय में बजट देखिए, अभी के समय में बजट देखिए, तो नया डिस्कोर्स जो नीतीश जी ने सेट किया है कि भाई डेवलपमेंट ओरिएंटेड बहस करिए, कैसे आप डेवलपमेंट करिएगा, कैसे आप आने वाले समय में बिहार को ले जाइएगा, तो आप डेवलपमेंट एसेंट्रिक बात करिए और कैसे बिहार को आगे ले जाइएगा, बिहार का विकास करिएगा, जात पात इसकी जो बात करते हैं इससे बाहर निकलिए और डेवलपमेंट को, तो बार बार जो अपने भाषण देते हैं उसमें भी वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, हम हैं ANB News। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी CO, BDO, थानाध्यक्ष सहित शांति समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SDO ने कहा कि मंदिर में पूजा पंडाल का निर्माण नहीं किया जाएगा, तोरण द्वार स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे, पूजा के दौरान किसी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा और ना ही साथ ही विसर्जन जुलूस की अनुमति होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को कई बड़े ऐलान किए, जिसमें साफ कर दिया कि केंद्र राज्यों के लिए लोन नहीं ले सकता है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस का भी ऐलान किया, जिस पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र BJP के प्रवक्ता केशव उपाध्याय का क्या कहना है, सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि 50 साल के लिए राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, अच्छी बात है,
लेकिन जो जीएसटी का बकाया है राज्यों का, सबसे पहले वो देने का काम करें। और राज्यों की आर्थिक परिस्थिति जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से बिगड़ी है, केंद्र की जिम्मेदारी है कि वे खुद कर्ज लें और जो मैंडेटरी देना है उसको सबसे पहले देने का काम करें। 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, वो चीज़ें लोगों के सामने रखने का काम करें। सिर्फ बयानबाजी ऐलान से देश राज्य नहीं, जो हुआ है उसके वजह से सारा एक प्रकार से फिनेंशियल सिचुएशन सब राज्यों की भी बुरी है और सेंटर की भी बुरी है। ऐसे में अगर स्टेट को जो उनके डेली इकोनॉमी चलाने के लिए और पूरा गतिविधियां चलाने के लिए नेचुरल है, एक पैसों की जरूरत तो सबको पड़ेगी, केंद्र को भी है, राज्यों को भी है, तो इस प्रकार का कोई पहल अगर निर्मला जी करती है तो निश्चित देश की जो इकोनॉमी आगे अभी बढ़ रही है। जौनपुर के बीबीपुर गांव में युवती से छेड़खानी के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में महिला की मौत हो गई जबकि करीब दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला की हत्या को लेकर परिजनों से मुलाकात करके जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक सिकरारा थाना क्षेत्र बीबीपुर गांव के निवासी राम अकवाल और गौरी शंकर के बीच कई दिनों से युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतनी जी करते ऐसा है कि मेरी बहन बोली क्यों ऐसा बोलते हैं, कुछ तो गाली होगी। मेरी बहन रोती हुई उसके पत्व जो है उसको चिंता से, तो चिंता मारी मेरी माँ, वो पूछने गई क्यों ऐसा कह रहे हैं। मेरी माँ को उसका एक लड़का था, उसका आदमी है, वो लोग मारने को, तो हम लोग भी मछली सारा डाल में रहते हैं, हम लोग भी आए, तो वही पूछने की क्या बात हुआ। तो मेरा बाप बोलता है कि तू मत बोल, मैं बात कर बताता हूँ क्या हुआ। उसका लड़का फ्लाइट से आया, कम से कम 12-1 बजे आया, तो शाम 3:30-4 बजे वो हाकी वोकी चाकू लिया था, बंदूक सब लिया था। तो साहब आने के बाद बातचीत नहीं किया, मेरे बाप को मारने। जनपद जौनपुर के थाना सिकरारा अंतर्गत ग्राम बीबीपुर में छोटे बच्चों के आपस में कहा सुनी और मारपीट को लेकर के एक मामूली प्रकरण हुआ था, जिसमें अचानक एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जा कर के लाठी डंडों से मारपीट किया, जिसमें 4-5 लोगों को चोटें आई, एक महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें आरोपी पक्ष के 6 अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के उनसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा दमघोटू होने लगी है। पराली जलाने की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सोमवार को गाजियाबाद सहित दिल्ली के 9 इलाके रेड जोन में आ गए। इन सभी जगह एयर इंडेक्स 300 का आंकड़ा पार कर काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है। बता दें कि दिल्ली का एयर इंडेक्स भी बीते 8 महीने में सबसे ज्यादा दर्ज हुआ। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र और पानीपत और यूपी के बागपत जिले की हवा भी सोमवार को काफी खराब श्रेणी में पहुंच गई। उधर मंगलवार को दिल्ली के ITO पर वायु गुणवत्ता स्तर 332 पहुंच गया। चीन और पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत चीन और पाकिस्तान भारत से सटी 7000 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री आज BRDO द्वारा तैयार की गई पुलों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने JDU कार्यालय से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वह काम के आधार पर अपना निर्णय लें। जनता मालिक है, हमें उम्मीद है कि आप हमारे काम के आधार पर वोट देंगे। दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है, वो समाज को बांटना चाहते हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है।
उन्होंने राजस्थान के करौली में एक पुजारी की हत्या के मामले में दोनों भाई बहनों को आड़े हाथ लिया और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को उनके राज्य में हो रहे अपराधों पर चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2011 में सिंचाई खंड प्रतापगढ़ में फर्जी ढंग से 9 सींच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और सैलरी देने के दोषी तत्कालीन अधिशासी अभियंता कोमल त्रिपाठी सिंचाई खंड प्रतापगढ़ के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोपित फर्जी सींच पर्यवेक्षक और 3 अन्य विभागीय कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।